जैन साथियों, यूपी पुलिस के री एग्जाम को लेकर के एक नया अपडेट आ गया है। उसको लेकर मेरे पास में पूरी पीडीएफ आ गई, ठीक है। पीडीएफ को मैं पूरे आपको समझा दूंगा। साथ ही में देखिए, इस पीडीएफ में पूरी जानकारी लिखी गई है एंड स्कूलों में क्या क्या चाहिए वो पूरा ब्यौरा जो है वो मांगा गया है। तो पूरी जानकारी इस पीडीएफ में है मेरे पास में। सारे डाउट आपके जो भ्रम है उनको भी मैं क्लियर कर दूंगा। देखिएगा, इससे पहले जो नोटिस आया था उसमें भी आपने देख रखा होगा कि जो संख्या दे रखी थी वो ऑनलाइन की बात कही जा रही थी। अब ये जो मेरे पास में आया है इसमें ऑफलाइन की बात कही जा रही है। दोनों चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ, आपके मन में कोई भ्रम नहीं रखना चाहता। देखिएगा, इसके बाद में अगर हमारे पास में 100 भी अगर पीडीएफ आएंगी, 100 भी अगर कुछ भी आएगा तो वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। उसके बाद में देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब जो जो हमारे साथ में हमारे सामने आएगा वो हम आपको जो है दिखाते जाएंगे। अब उसमें जो है ट्रस्ट करना है कि नहीं करना वो आपके ऊपर है, समय बताएगा। भगवान कोई नहीं है, लेकिन कोई जानकारी आए आप तक पहुंचा दी जाए एंड आप अपने विवेक से उसको जो है वो सही या गलत जो है माने वो आपके ऊपर है। तो देखिए, इसमें क्या लिखा गया है आपके पेपर के रिगार्डिंग। री एग्जाम का ये ऑफलाइन की बात हो रही है तो पूरी चीज़ें हम अभी क्लियर करेंगे, आपकी भी थोड़ी सी हम डाउट को क्लियर कर देंगे। देखिएगा, यदि आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद में इसका जो अगला वीडियो आने वाला है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा भी पीडीएफ जो अदर स्टेट का है वो भी मेरे पास में आ गया है, तो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। पीडीएफ अप करने के बाद में ये जो है वो जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज के लिए जो वो सेंड की गई है, ये आप देख सकते हैं। प्रयागराज के लिए समस्त प्रधानाचार्य, मतलब ये होगा कि जो आपका री एग्जाम होगा उसमें ऑफलाइन कराने के लिए विद्यालयों से सूची जो है वो मांगी जा रही है कि किस जिले में कितने जो है विद्यालय इस एग्जाम को कराने के लिए तैयार हैं, ठीक है, वो जो है बात कही जा रही है। अब इसके बाद में आप देखेंगे भर्ती का पत्रांक यहाँ पर लिखा हुआ है 1965-54 एंड 2023-24 दिनांक जो है वो 30 मार्च, मतलब आज का ही ये पीडीएफ है जो मैं आपको जो है वो यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अब आप देखेंगे, थोड़ा सा हम ऊपर लेके चलते हैं एंड ऊपर लेके चलते हैं तो आपको समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, देखिएगा, प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित कराई जाने वाली अलग अलग भर्तियों की ऑफलाइन लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में ये जो है वो नोटिस लिखा गया है। अब देखिए, इसमें एक से ज़्यादा भी जो है वो पेपर ऑफलाइन कराए जा सकते हैं, जैसे साफ साफ इससे लिखा हुआ है। आगे देखिएगा, उपयुक्त विषय कृपयांग ये सीधा सीधा पढ़ लीजिएगा, 30 मार्च 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, छाए इसकी जो कॉपी इसके साथ में जो अटेस्टेड थी, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित कराई जाने वाली अलग अलग भर्तियों का ऑफलाइन लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। पूरा पीडीएफ, टेंशन मत लीजिएगा। आगे आप देखेंगे, आगे इसके सेकंड जो है वो सेकंड पॉइंट पर क्या लिखा हुआ है कि उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत परीक्षा हेतु संलग्न सहमति पर अपनी सहमति दिनांक 1 अप्रैल 2024 के 2 बजे तक अनिवार्य रूप से जो है वो हस्ताक्षर कार्यालय के होने के बाद में उसे उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिसकी सहमति पत्र संकलित कर ससमय संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना जो है वो प्रस्तावित है। तो आप देख सकते हैं पीएन सिंह ये जिला विद्यालय निरीक्षक हैं प्रयागराज के। तो ओवरऑल आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, इस तरह से वायरल होकर के मेरे पास में आई जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित कराई जाने वाली अलग अलग भर्तियां ऑफलाइन परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्रों की सूची जो है संलग्न करने की यहाँ पर बात की जा रही है। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज के द्वारा ये जो है वो लेटर प्रेषित जो के लिए किया गया है। अब आप देखिएगा, ये आप पूरा पढ़ लेंगे तो पूरा जो है पढ़ने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या स्थिति जो है वो अब वर्तमान में जो है वो चल रही है। जो भी जानकारी हमारे पास में आती रहेगी वो आपको बताते रहेंगे। अब आपका विवेक है कि आप उसे किस तरीके से लेते हैं। आप इसे पूरा पढ़ लेंगे, आगे आप देखिएगा कि आगे आप देखेंगे मैं इसे यहाँ से, अंतर्गत जनपद स्तर पर पालीवार समिति के मानक के अनुसार परीक्षा केंद्रों का बैंक बनाए जाना प्रस्तावित है कि कितने जो है इस जिले में कितने विद्यालय हैं जो इस पेपर को कराने के लिए तैयार हैं। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला स्तरीय RIC अधिकारी, उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा विभाग के उपलब्ध अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक कि एक संयुक्त समिति जो है वो इस पूरी जो है वो जो जो विद्यालयों की बैंक मतलब सूची बनेगी उसको तैयार करेंगे। आगे देखिएगा, उक्त शासनादेश के अनुपालन में जनपद में भर्ती हेतु आयोजित होने वाली परीक्षाओं के प्रयोग के लिए केंद्रों का चयन करना, उनकी परीक्षा केंद्रों को बैंक बनाया जाना है। इस नोटिस से ये चीज़ें जो वो समझ में आती हैं। अब आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, देखिएगा लिखा है, पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा पुलिस एवं अन्य विभागों के अलग अलग रिक्त पदों हेतु ऑफलाइन लिखित परीक्षा जो है वो
आयोजित कराई जाती है, जिसके लिए निर्धारित मानक और पूर्ण परीक्षा केंद्रों की सूची जो है आवश्यक है, ताकि आवश्यकता अनुसार उस सूची में से परीक्षा केंद्रों का चयन कर उससे सहमति लेकर के परीक्षाएं कराई जा सके। ये पूरा पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बोल रखा है कि ये जो पूरी जानकारी है, ये देख सकते हैं, 1 मार्च 2024 को ही जो अवगत करा दिया गया था, एवं उपरोक्त निर्गत शासनादेश के परिक्षेप में गठित समिति के विद्यालयों का स्थलीय परीक्षण कराकर संलग्न प्रारूप में वचित सूचना शीघ्र बोर्ड को जो ईमेल आईडी संपर्क@upp.gov.in, मतलब वही ऑफिशियल जो है ये ईमेल आईडी है जो आप यहां पर आप देख रहे हैं, ठीक है, एमएक्स एक्सेल के थ्रू ये जाती है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भर्ती, आगे लिखा गया है कि दिनांक 1 मार्च 2024 की प्रति संलग्न कर उस इस निर्देश से प्रेषित के पत्र में दिए गए मानकों एवं शर्तों के अनुसार पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा आयोजित ऑफलाइन लिखित परीक्षा केंद्रों की वांछित सूची ये जो है संलग्न कराने का कष्ट करें, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा सर जी हम आगे चलते हैं, ये आप देखिएगा एक और एकदम जो है वो पूरी चीजें जो है वो हमारे पास में आ गई हैं, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी नया अपडेट आता रहेगा वो मैं आपको जो है वो बताते रहूंगा। अब आप देखिएगा ये भी जो है जिलाधिकारी महोदय देखिएगा, मतलब ये आप एक चीज देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे तो देख सकते हैं ऊपर देखिए कितनी सारी स्टंप लगी हुई है, और ऐसा नहीं है अगर ये सिर्फ एक ही लेटर वायरल होता तो समझ सकते थे हो सकता है फर्जी हो, लेकिन पूरा का पूरा जो है समझ सकते हैं पूरी की पूरी जानकारी जो है वो यहाँ पर आई है। और एक और चीज देखिए मजे की बात, ये जो पूरी बात लिखी गई है इसमें भी देख सकते हैं पत्रांक संख्या देखिएगा PR PV PV 1/1/150/2023 जो कि यूपी पुलिस की ही जो है वो भर्ती है 68264 वाली, उसी का जो है वो पत्रांक संख्या आपके सामने दिखाई दे रहा है, मार्च 1, 2024 का जो ये लेटर है और जिलाधिकारी प्रयागराज को जो है ये भेजा गया है। साफ साफ लिखा हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो है आयोजित किए जाने वाली भर्ती में ऑफलाइन लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करना है, समझ में आ गया। आगे आप देखते जाइए, थोड़ा सा और है इसमें, तो आप देख सकते हैं ना जी, मतलब पूरा पूरा जो है वो कहीं पर भी देखिएगा सर समय अपेक्षित कार्रवाई, ये पूरा पूरा लिखा हुआ है, किसी हर तरह के जो स्टंप यहाँ पर लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी जो है वो चल रहा हो। ये लेटर रिसीव हुआ है 6/3/2024 को, जबकि ये 1/3/2024 को सेंड किया गया है, तो यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें जो है वो लिखी गई हैं जो मैंने आपको पढ़ा दिया है कि ऑफलाइन परीक्षा कराने के लिए लिखित परीक्षा के लिए जो है पूरा पूरा बैंक बनाया जा रहा है, जो भी विद्यालय केंद्र जो है इस परीक्षा को कराने के लिए तैयार हैं। अब इस चीज़ से हमको क्या समझ में आता है, पहली चीज़ आप ये देखिएगा पूरा अपडेट, और इतना ही नहीं जी आगे थोड़ा नीचे देख लीजिएगा, स्कूलों में किसी भी एग्जाम को कराने के लिए एक भर्ती बोर्ड को उस स्कूल से क्या अपेक्षा की जाती है वो आप देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि विद्यालय परीक्षा केंद्र का नाम कौन सा विद्यालय, मान लो एक्स वाई जेड ये एक विद्यालय का नाम है, प्रतिपाली कुल अभ्यर्थियों की क्षमता, मतलब आपके स्कूल में कितनी सीट है, ठीक है वो भी आपको बताना है, परीक्षा की तिथि अभी यहाँ पर नहीं है, भर्ती परीक्षा कब होगी क्या हो किसके बारे में ये समझ, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है ऑफलाइन पेपर है जो कि री एग्जाम होगा उसके बारे में, विद्यालय परीक्षा केंद्रों का पता, यहाँ पर आपको जो है किसी भी जो है वो एड्रेस लिखना होता है, शासकीय सहायता प्राप्त निजी संस्थान है या फिर सरकारी है, परीक्षा केंद्र का ग्रेड कौन सा है, प्रधानाचार्य का नाम यहाँ पर, मोबाइल नंबर लिखना था, कुल कक्षा मतलब आपके स्कूल में कितने जो है वो क्लास हैं जिनमें आप जो है इस पेपर को करवाओगे, एंड बड़े ही मतलब मोटिवेशनल चीजें हैं जो आपके सामने लिखी गई है, कक्षों की संख्या कितनी है, मतलब आपके स्कूल में 12 क्लासरूम है, परीक्षा केंद्र पर कुल अभ्यर्थियों के बैठने की क्षमता कितनी के साथ, मेरे स्कूल में जो 100 विद्यार्थी जो है वो एक शिफ्ट में पेपर दे सकते हैं, क्या परीक्षा संचालन के लिए स्टाफ आदि पर्याप्त है, तो बिल्कुल बोल देंगे हाँ जी यस हमारे पूरा स्टाफ है, परीक्षा केंद्र बाउंड्री वाल से घिरा है कि नहीं, बिल्कुल सर जी हमारा स्कूल एकदम चारों तरफ से चाक चौबंद है, परीक्षा केंद्र में सभी परीक्षा कक्षों में लाइट की पूरी व्यवस्था है, जी बिल्कुल है, परीक्षा केंद्र में सभी परीक्षा कक्षों में पर्याप्त फर्नीचर प्रकाश पंखे की व्यवस्था, पूरा सा पंखा घूम रहा है जी, परीक्षा केंद्र पर आने जाने हेतु चौड़ी सड़क है, बिल्कुल है जी, ये जो है वो फॉर्म भरा जाता है, परीक्षा केंद्र में पीने के लिए पूरा एकदम बढ़िया पानी है या फिर नहीं, बिल्कुल है जी, परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी के बैग आदि मोबाइल रखने की समुचित व्यवस्था है, बिल्कुल है, आपने देखा होगा जब आप पेपर देने जाते हैं तो वहां पर बैग रखने की पूरी व्यवस्था होती है, मतलब देखिएगा कि भर्ती बोर्ड पहले ही पूछ लेता है कि आपके पास इंतजाम है या फिर नहीं है। आगे आप देखिए शौचालय की पूरी व्यवस्था, बिल्कुल जी है, और बैग रखने की पूरी व्यवस्था है, परीक्षा केंद्र प्रवेश करते समय पुरुष महिला अभ्यर्थियों की तलाशी हेतु अलग से व्यवस्था है या फिर नहीं है, बिल्कुल है जी, परीक्षा बस स्टैंड से कितनी दूरी है, रेलवे स्टेशन से कितनी दूरी है, साथ ही में जनपद कोषागार से जो कितनी दूरी है आपके सेंटर की, किसकी, आपके
सेंटर की, आगे देखिएगा, परीक्षा केंद्र पर सभी कक्षाओं में, परीक्षा केंद्र पर सभी कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल लगे हुए हैं। परीक्षा केंद्र पर अलग से मतलब प्रश्न पत्र रखने हैं तो सीसीटीवी कैमरे युक्त एक अलग से कक्ष है या फिर नहीं है? बिल्कुल सर जी, स्ट्रांग रूम है। क्या 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 पूर्व में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती द्वारा परीक्षा आयोजित आपके स्कूल में हुई है या फिर नहीं हुई? बिल्कुल सर जी हुई है। परीक्षा केंद्र पर पूर्व में परीक्षा आयोजित करने के संबंध में डिवार किए गए अथवा कोई अन्य प्रतिकूल तथ्य को तो नहीं है? मतलब ऐसा तो नहीं है आपका स्कूल डिवार घोषित कर दिया हो, बैन लगा दिया हो आपके स्कूल पर? ना जी ऐसा बिल्कुल नहीं है हमारे स्कूल में। एंड अभियुक्ति ये है, ये आपको लास्ट में देना होता है, लास्ट में पूरे डिटेल जो होता है वो शासन को जाता है। ये जो है वो आपको मैंने पूरी जानकारी जो है वो आपको समझा दी, इसमें कुछ बचा नहीं। ये इसके जो है कुछ पेपर है जो आपको सामान्यतः देखने को मिलते हैं। अब इसे समझ में ये आता है। अच्छा एक चीज़ और मैं यहीं क्लियर कर देता हूँ, आपके मन में भ्रम ना बचना चाहिए किसी भी तरह का। देखिएगा आपको मैं बता दूं, मान लीजिएगा ये है हमारे पास में 10 नोटिस आए। अब 10 नोटिस आए, इनमें से पूरी जानकारी जो आती है वो हम आपको 10 का 10 जो है वो आपको दिखा देंगे, 10 का 10 दिखा देंगे। अब वो कितना सही जाता है कितना नहीं जाता वो अलग चीज़ है, लेकिन आप ये देख सकते हैं इस चीज़ से हमें ये समझ में आता है कि ये जो ये लेटर जो है वायरल हुआ है साफ है कि आपके री एग्जाम से ही संबंधित है। अच्छा अब सर जी वो ऑनलाइन वाला निकला था वो ज़रा क्या लॉलीपॉप था? देखिए ऐसा तो नहीं कि हम उसे बना रहे हों, सामान्यतः सभी के पास में जो हम आपको दिखा रहे हैं वो बस आपके विवेक के ऊपर है। जहाँ तक अब इसको देखने के बाद मेरी नज़र है कि वो ESI वाला था, कंप्यूटर ऑपरेटर वाला था, ठीक है। जो वो नोटिस ऑनलाइन की बात कही जा रही थी वो इसका था। पत्रांक संख्या से हर कोई थोड़ा भी अगर जानने वाला होगा वो थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएगा। वो हमें जहाँ तक लगता है कि ESI एंड जो है कंप्यूटर ऑपरेटर का था, और ये वाला जो नोटिस है ये आपका जो है वो री एग्ज़ाम है 60244 का, ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है। होने को कुछ भी हो सकता है लेकिन इसकी जो है प्रायोरिटी ज़्यादा बनती है। तो पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया ताकि आपके मन में कोई भी डाउट भ्रम ना रहे। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो को यार जरूर लाइक कर दीजिएगा। एक नोटिस और है वो अलग जनपद का है, बलिया का है या फिर यहाँ का है, शायद मेरठ का है। वो अगला PDF है, मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा उसमें क्या क्या डिटेल मांगी गई है, क्या लिखा गया है। बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो जो जो आते रहेंगे वो हम आपको देते रहेंगे, सही होता है गलत होता है वो समय बताएगा, लेकिन वर्तमान में जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक शेयर जरूर करेंगे, ये हम गारंटी साथ में आपको बोलते हैं। थैंक यू।